बच्चों, झुर्रियाँ जो होती हैं, रिंकल्स जो होते हैं, उम्र के हिसाब से तो सभी को आते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कई बार छोटी उम्र में जब रिंकल्स दिखाई देते हैं तो चिंताजनक बात होती है। लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि नींद पूरी ना होना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना। ये सभी फैक्टर्स आपकी त्वचा पर इलेक्ट्रिसिटी को कम कर देते हैं, जिससे त्वचा पर फाइन लाइंस दिखने लगती हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा होममेड क्रीम बनाऊंगी जिससे अगर छोटी उम्र में रिंकल्स हैं, आप उम्र से बड़े दिखने लगे हो, तो ये क्रीम बहुत कमाल दिखाएगी आपकी स्किन पर। तो चलते हैं बच्चों ये क्रीम बनाने। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। ये आसानी से आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। इसे हम लेंगे 2 टेबलस्पून। दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ घर में रखी हुई बादाम, जिसे हम भिगाकर खाते भी हैं। उन बादाम को और अलसी के बीज को हम क्या करेंगे बच्चों, 2-4 घंटे के लिए इसे भिगोकर रखेंगे। तो भिगाएंगे किस में? हम रोज़ वाटर में इसे भिगाएंगे। तो रोज़ वाटर में भिगाकर आप इसे 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम क्रीम कैसे बनाएंगे। बच्चों, फ्लैक्स सीड्स और बादाम त्वचा में कसाव लाता है, झुर्रियाँ कम होती हैं और गुलाब जल से त्वचा ताज़ी और चमकदार रहती है। तो बच्चों, मैंने इन तीनों चीज़ों को भिगोकर पहले ही रख दिया है। अब आप चाहें तो इसके छिलके हटाएं, ना हटाएं तब भी चलेगा। आपको क्या करना होगा, एक साफ मिक्सर जार लेना होगा और इसमें तीनों चीज़ों को मिलाकर ज़रूरत लगे तो थोड़ा रोज़ वाटर और मिलाते हुए इसे पीस लीजिए। क्योंकि फ्लैक्स सीड्स काफ़ी थिक होते हैं तो इसमें हमें गुलाब जल थोड़ा थोड़ा मिलाना पड़ेगा। अब बारी आती है बच्चों, हम इसे छाने कैसे? तो छानने के लिए आपको करना क्या होगा, एक महीन सा पतला चुन्नी जैसा कपड़ा लेना होगा। अभी मैंने 2 चुन्नी के कपड़े लिए हैं, 2 लेयर लिए हैं और इसमें मैं छानना शुरू कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे इस पेस्ट को मैं निकाल रही हूँ, काफ़ी थिक सा स्मूथ सा पेस्ट बन रहा है। अब इसका नीचे वाला कपड़ा भी हटा रही हूँ और इसका पूरा जो भी पेस्ट है वो मैं पूरा निकाल के एक बोल में रख रही हूँ। इसमें हमें ध्यान क्या देना है, जैसे कि आप जो ये पेस्ट बना लेते हो, अब कई बार मिक्सी में बहुत अच्छे से पिसता है, कई बार नहीं पिस पाता है, कितना आप निछान पाते हो, तो सबसे पहले आपको वो नापना ज़रूरी है कि ये पेस्ट आखिर बना कितना है। जैसे कि आपने देखा 4 चम्मच के आसपास ये पेस्ट है। अब इस 4 चम्मच में हमें 1 चम्मच मिलाना है एलोवेरा जेल, तभी इस रेमेडी को हम सही ढंग से बना पाएंगे। बच्चों, एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो त्वचा को आराम देते हैं और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं बच्चों। अब बच्चों, आपका सवाल ये होगा कि हम जो पेड़ से उसी समय निकालते हैं एलोवेरा, वो ले सकते हैं क्या? बच्चों, ले तो सकते हैं, पर होता क्या है, कई बार वो एलोवेरा हमारे चेहरे पर सूट नहीं करता। तो मैं कहूँगी आपसे कि आप एलोवेरा किसी भी कंपनी का जेल ले सकते हैं। दोनों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना होगा। इसमें अब डालनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन भी हम जब डालेंगे ना तो कुछ ड्रॉप्स में ही डालेंगे। बच्चों, ग्लिसरीन नमी को त्वचा में लॉक करता है, जिससे सूखी रेखाएं और झुर्रियां कम दिखती हैं। अब बारी आती है बच्चों, इसमें 4th इंग्रेडिएंट डालने की, वो है नारियल का तेल। बच्चों, नारियल तेल त्वचा को पोषण देकर कोमलता और इलास्टिसिटी बढ़ाता है। वो भी आपको ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट, अगर नहीं मिलता है तो नॉर्मल जो भी आपके यहाँ नारियल का तेल है उसके कम से कम 8-10 ड्रॉप्स आप डाल दीजिए। और बच्चों, जिनकी स्किन ऑयली है वो नारियल तेल को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हमारे पास बस यही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं। अब ये सारी चीज़ें मिलकर एक बढ़िया सी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम यूज़ कैसे करें? जिस समय आपके पास वक्त हो, करीब करीब आधे घंटे का, तब मैं आपको कहूँगी इसे आप यूज़ कीजिए। पहले चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चेहरा जब क्लीन होता है तभी हमें कोई भी रेमेडी को यूज़ करना होता है। अब इस रेमेडी को आप ब्रश से अप्लाई कीजिए, एक अच्छा थिक लेयर आप अप्लाई कर दीजिए और कम से कम मैं बच्चों आपसे कहूँगी 20 मिनट तक इसे लगा कर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 40 मिनट भी इसे लगा कर रख सकते हैं, जब तक कि ये रेमेडी पूरी सूख नहीं जाती है। अब बारी आती है बच्चों कि इसे कब कब लगाना है, क्या इसे रोज़ लगाना है?
नहीं, आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लगाना है। अब ये जो रेमेडी हमने बनाई थी बच्चों, ये ज़्यादा बनाई थी, तो इसे आप जो बचा हुआ पार्ट है उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी आपका ये रेमेडी तैयार है। तो इस तरीके से बिना कहीं भाग दौड़ के, बिना खर्चे के, आपके चेहरे की जो फाइन लाइंस हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। कभी कभी ये भी सवाल होता है कि आपकी तो थोड़ी थोड़ी फाइन लाइंस हैं। हाँ हैं, क्योंकि मैं बच्चों 60 की हो रही हूँ, तो इस समय 40-50 के बाद कोई रोक नहीं सकता इन फाइन लाइंस को, जब तक कि आप किसी सर्जन से कोई अच्छे से ट्रीटमेंट ना करवाओ। आजकल काफ़ी ट्रीटमेंट आ गए पर मैं उनमें बिलीव नहीं करती बच्चों। तो जब आपको घर के ट्रीटमेंट करने हैं और एक छोटी उम्र में, जैसे 30-35-40 की उम्र में करने हैं DIY, तो ये DIY बहुत ही परफेक्ट है उस उम्र के लिए। जब छोटी उम्र में फाइन लाइंस दिखते हैं तो बहुत बुरे से लगते हैं, तो ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। ये आपको कैसा लगा DIY मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।